मेडल लेने वालों से लेके नॉन मेडल तक, फिजियो से लेके कोचेस तक, सपोर्ट से लेके आगे फ्यूचर तक, एक एक वर्ड्स को ऐसे पकड़ा, मतलब आधे पौने घंटे में ऐसा लगा ही नहीं कि टाइम कहाँ बीत गया। और रियलिटी में ये बहुत ट्रू है, जस्ट लाइक अ पेरेंट्स जो हर एक अपने बच्चे के बारे में जानते हैं, मोदी सर सेम वैसा करें। It was really heartwarming for the speech that sir gave us, and the fact that women have won almost half the medals was really, really enlightening. So more women power to us, and we hope by the next Asian Games we could also cross this mark and get more medals for our country. It feels so good that, you know, the leader of the country is here to felicitate us and is here to motivate us with his words and with his promises in the future. Aaj Modi ji ki speech sunke bahut acha laga, jis tarike se unhone sports ke bare mein ya युवा के बारे में इतनी ज़्यादा बातें की और आने वाला फ्यूचर इंडिया का बताया, तो मुझे आशा है कि नेक्स्ट ईयर जो पेरिस ओलंपिक्स होंगे और हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि हम बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो उनकी एक बात मुझे बहुत याद आती है कि जब उन्होंने उरी अटैक के वक्त कहा था कि ये नया इंडिया है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है, तो उसी वही दिमाग में रख के हम जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही की है कि आगे पेरिस तक जितना भी सपोर्ट है, जितना भी आप लोग क्या चाहते हो वो देने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, तो एक तरफ से प्लेयर्स के लिए ज़्यादा मोटिवेशन है। बहुत प्लेयर्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स भी बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहता है, अच्छा कोचेस के अंदर ट्रेनिंग करना चाहता है, तो वो लोग के लिए एक ऑप्शन है ये, तो डेफिनेटली एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग टू हैव आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पीक टू ऑल ऑफ अस एंड स्पेंड सो मच टाइम। हिज मैसेज वाज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग एंड इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेक विद मी एंड आई एम गोइंग टू फर्दर his message to everyone that I come across. I'm very grateful for the whole experience. मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो खेलो इंडिया स्कीम्स और टॉप्स की स्कीम्स है वो खिलाड़ियों को उन्होंने काफ़ी बूस्ट किया है, और मैं खुद खेलो इंडिया स्कीम से ही आया हूँ। He talked about a drug free India. I think it's a wonderful initiative because all the athletes have this platform where they can actually motivate the youngsters. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से मुझे लगता है शायद स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और हम उम्मीद करते हैं सर हमें ऐसे ही इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और हम भी इसी तरह मेडल देते रहेंगे। विजन दैट ही हैज़ फॉर द स्पोर्ट्स इन द कंट्री आई थिंक विल टेक इट टू मच ग्रेटर हाइट्स इन द फ्यूचर, सो इट इज रियली eye opening to see his vision and I hope that we can live up to his expectations in the coming years. As an athlete hame ye rehta hai ki country ke liye kuch kare aur hamare parents sabko bahut acha lagta hai aur uske baad hame modi sir bulate hain aur itna motivate karte hain, to specially young athletes ke liye bahut achhi baat hai ki isse inspire hote hain aur aage aur bhi acha karne ka sochte hain.